अभी मैं हूँ कोरल आइलैंड में। अगर आप भी मेरी तरीके से पत्या से कोरल आइलैंड आना चाहते हो वो भी कम बजट में, तो पूरा ब्लॉग जरूर देख लेना। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है आप किस तरीके से यहाँ पे बजट में आ सकते हो, इंक्लूडिंग सारी वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह है उन सबका भी रेट बताया है, और यहाँ पे अंदर घूमना कैसे है भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक अलग ही लेवल का आप बोल सकते हो स्कैम चल रहा है जिससे आपको बच के रहना है। तो पूरा ब्लॉग देख लेना, आपको सारी गाइड मिल जाएगी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर। आज है 28 जनवरी 2024 और आज है अपना पत्या में दूसरा दिन, और आज बेसिकली मैं यहाँ से जाने वाला हूँ कोरल आइलैंड या कोलन आइलैंड, और मैं आपको बहुत ही बजट में बताऊंगा कि भाई आप किस तरीके से यहाँ से कोरल आइलैंड जा सकते हो। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरीके से सस्ते में पत्या आना चाहते हो भाई मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देख लेना, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। चलो फटाफट चलते हैं भाई, ऑलरेडी मैं लेट हो रहा हूँ, 12 बजे का फेरी का टाइम है और मैं बाकी सारी चीज़ें वहीं पहुँच के ही बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस जगह पे आ जाना है जिसका नाम है बाली हाई पियर। यहाँ से आपको स्पीड बोट और फेरी दोनों ही मिल जाएगी। यहाँ पे आप सीधे बाइक टैक्सी से आ सकते हो, आप उनको बता देना वो आपको यहाँ पे ले आएंगे, या फिर आप अगर वॉकिंग स्ट्रीट से आ रहे हो तो वॉकिंग स्ट्रीट के जस्ट एंड में आ जाओ और आपको ये वाला ब्रिज दिख जाएगा। और काफी लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं पूरा टूर पैकेज लेना, पर डे वो पड़ता है 1000 से 1500 भाट, जो की भाई काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। उसमें आपको काफी सारी एक्टिविटीज भी मिलती है, बट मेरे हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है। टूर पैकेज लेने से अच्छा आप खुद का डेट प्लान करो, जहाँ से आप स्पीड बोट और फेरी में दोनों में जा सकते हो, जो कि काफी सस्ता पड़ेगा, और वहाँ पे जाके अलग से आप एक्टिविटीज भी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जिसके रेट्स मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। तो टाइमिंग भी बताता हूँ फेरी की अभी क्या है, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ और फेरी कहीं छूट ना जाए। चढ़ चुका हूँ फेरी पे, और पत्या से कोरल आइलैंड या कोलन आइलैंड जाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला आप अपना टूर पैकेज बुक करवा सकते हो, जो कि भाई काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। स्पीड बोट आप इस ब्रिज के स्टार्टिंग में ही आपको स्पीड बोट मिल जाएगी, और यहाँ से पहुँचाने का भाई टाइम टोटल हाफ हो जाएगा, काफी ज्यादा पास जाती है वो। अराउंड यहाँ से स्पीड बोट लेती है 15 मिनट, और ये जो फेरी है जिस पर मैं जा रहा हूँ ये भाई 30 मिनट लेती है, तो टोटल 15 मिनट का फर्क है। और स्पीड बोट का जो भाई फेयर है वो है 200 साइबाट एक तरफ का, मतलब आना जाना 400 साइबाट। तीसरा और जो सबसे सस्ता तरीका है वो है भाई बाय फेरी, जिस पर मैं भी जा रहा हूँ, और ये आपका एक तरफ का लेती है 30 बार, और दोनों साइड का आपका 60 बार में हो जाएगा। एंड ऑल्सो इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 30 मिनट में पहुँचा देती है, इतना ज़्यादा कोई टाइम डिफरेंस नहीं है भाई, और पैसे बच रहे हैं आना जाना, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। बाकी फेरी का टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो फेरी की टाइम लिखी हुई है आने की भी और जाने की भी, मैंने तो यहाँ पे भाई 12 बजे की ली है। 12 के बाद भी और भी फेरी थी, बट भाई मुझे 12 बजे ही वाली लेनी थी, क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा फिर लेट हो जाता। अब 30 मिनट में ये फेरी वहाँ पहुँचा देगी, उसके बाद वहाँ पे जो पैरासेलिंग वगैरह या फिर और भी वाटर एक्टिविटीज़ है उन सबके रेट में आपको बताऊँगा। और यहाँ पे आपको ये लाइफ जैकेट भी मिलेगी 30 भाग में, मतलब हर सीट पे लगी हुई है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। वैसे तो कोई डर की बात नहीं है, काफी आराम से चलती है। अगर आपको सी सिकनेस है या मोशन सिकनेस है, जैसे समुद्र में आके थोड़ा उल्टी वगैरह जैसा लगता है, तो फेरी के केस में ऐसा नहीं है, स्पीड बोट में हो सकता है, क्योंकि भाई उसकी राइड तो थोड़ी बम्पी रहती है। तो भाई देख लो, स्पीड बोट में पैसे भी ज्यादा लगते हैं और उल्टी के भी चांसेस है, और फेरी में कुछ ऐसा वैसा रहता नहीं है, सस्ती की सस्ती 30 मिनट में पहुंचा देगी, और वोमिट के भी चांसेस नहीं है। तरीके के आपको भाई टुक टुक मिल जाएंगे, यही आपको बीच तक लेके जाएंगे, जो कि है 30 भाग में। और यहाँ पे देखो भाई काफी सारे बीच है, I stay
ये था टुकटुक जिससे मैं आया हूँ, और ये है बीच जो कि है मंकीज बीच। तो चलो जी चलते हैं। स्कूटी रेंट की है आप लोग ने? स्कूटी रेंट कर ली आपने? नहीं नहीं, मैं तो उससे आया हूँ ये टुकटुक। तो आप लोग पूरा घूमोगे? ये दो भाई हैं पंजाब से, ये अपने साथ पैरी पे ही आए थे, और भाई ने स्कूटी रेंट की। क्या रेट पड़ा आपको? 200 baht कॉस्ट फुल डे? अच्छा 6 o'clock। और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट? ओनली फुल डॉक्यूमेंट, आई सबमिट माय लाइसेंस। ओके ओके, चलो जी बढ़िया है। यहाँ पे काफ़ी सारे बीचेज आ गए थे। ओके ओके ओके, चलो जी आ चुके हैं बीच पे, और कुछ ऐसा सा नज़ारा है यहाँ का। भाई आज तो भाई काफ़ी हद तक सनबर्न होने वाला है, क्योंकि मैं भाई सनस्क्रीन लगाना भूल गया, और बहुत ही तगड़ी वाली धूप रखी है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये सारे रेट्स हैं इनके। 30 मिनट्स पे भाई 30 मिनट्स के लिए आपको जेट्स की 180 baht, जिसमें दो लोग रहेंगे, आप अकेले नहीं कर सकते। बनाना बोट राइड 300 baht, सब बोट 800 baht, पैराग्लाइडिंग के भाई 1000 baht, शूटिंग भी है यहाँ पे, सी वाटर का भी है, सी वॉकिंग का भाई 1000। दिस इज़ 1300 baht भाई सी वॉकिंग का। बाकी 1000 ये आपको इस तरीके की बोट राइड का मिलेगा। और ये भी भाई मैंने 180 नहीं 1800 baht का है जेट स्की का, देख रहे हो कितना महंगा है। ये जो सीट्स हैं भाई इस तरह की, ये सारी पेड है, ये नहीं कि भाई आप ऐसे ही आके बैठ जाओ। भाई जा रहे हैं तवांग बीच, मंकी बीच। मुझे कुछ खास लगा नहीं, बहुत ही छोटा सा बीच है, और यहाँ पे वोटर स्पोर्ट्स भी बहुत कम है, तो तवांग बीच ही मेन है, वहाँ पे ज़्यादा वोटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो वहाँ जाके आपको। जिससे मैं आया था, और ये है बीच का रास्ता। लो जी आ चुके हैं फाइनली बीच, और जिस बीच पर मैं आया हूँ ये है भाई तवांग बीच। एज़ कम्पेयर टू पटाया भाई, यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा साफ है, और यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। तो जिस टाइम मैं आया हूँ, थोड़ा देर से आओगे मतलब 2 बजे वाली फेरी के आसपास आओगे, तो थोड़े आपको टूरिस्ट कम मिलेंगे। बट भाई यहाँ के सीन्स देखना, एकदम नेक्स्ट लेवल हो रखे हैं यार। अच्छा यहाँ पे ना काफ़ी सारे बीचेस हैं, मतलब आई थिंक 5 से 6 बीचेस हैं। तो अगर आपको कवर करना है ना, और आप 2 लोग हो, तो बेस्ट ये है कि यहाँ पे आप इस बीची रेंट कर लो, जो कि आपको पड़ेगी 200 baht की, 2 लोग पर पर्सन आपका हो जाएगा 100 baht। और डिपॉजिट में आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो भाई जो मिले थे उन्होंने डिपॉजिट किया था कुछ। बाकी पासपोर्ट वगैरह अगर मांगते हैं तो आप पासपोर्ट भी डिपॉजिट कर सकते हो अगर आपका मन है तो, अदरवाइज आप थोड़ा से भाई बात देके स्कूटी रेंट पे ले सकते हो। सो व्हाट फॉर जस्ट जेट स्की? जेट स्की 10 km 400 baht, यू अलोन। बनाना बोट 300 baht फॉर वन। 300 baht फॉर वन एंड जेट स्की यू अलोन, यू कैन राइड। आई कैन राइड, ओके। फॉर 10 km? या 10 km फॉर हाउ मच? 400 baht एंड बनाना बोट 300 baht एंड स्नॉर्कलिंग 500 baht 1 hour। ओके। सी वॉक 1200 हाफ आवर। एंड व्हाट? या 1200 फ्लासरिंग। हाउ मच टाइम? बिग रन 10 मिनट। ओके एंड पैराग्लाइडिंग? अरे पैराग्लाइडिंग 3000 baht ना, 15 मिनट। 3000 baht फॉर 15 मिनट्स। हां अरे 1200। ओके ओके ओके, टेक इट, आई विल टेक इट, टेक इट, ओके, आई विल टेल यू। ओके 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 ओके, वेट। तो भाई देखा आपने जो डेट जेटस्की का था, तो भाई 400 baht है 10 km का, और उसमें ये चीज़ है कि भाई वो आप अकेले राइड करोगे, मतलब आपके पीछे कोई नहीं रहेगा,
बट आप यहाँ पे बार्गेनिंग कराओगे तो भाई आराम से 200 baht तक वो कर देंगे, और बाकी सारी चीज़ की मैंने आपको रेट बताई दी है, सब में भाई बार्गेनिंग हो जाती है अच्छी खासी। तो जो ये रेट बता रहे हैं ना बिल्कुल यही रेट, सॉरी मत लेना। तो यहाँ पे आओ, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, 2-3 जगह पता करो, बस यही है, 2-3 जगह पता करो, उसके बाद भाई बाइंग का डिसीजन बनाओ, क्योंकि आगे पीछे शायद हो सकता हो रेट में डिफरेंस हो। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है भाई, आप कितने अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हो। बाकी देखना भाई क्या बीच है भाई, काफ़ी खूबसूरत बीच है। अगर मंकी बीच से कंपेयर करें तो भाई मंकी बीच मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं, बहुत ही छोटा सा था और वहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब वाटर स्पोर्ट्स वगैरह की राइड्स नहीं है, तो इसलिए अगर आपको जाना हो तो वहाँ पर थोड़ा शांति है ये चीज़ है, बट ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स वगैरह नहीं है, बहुत ही छोटा सा बीच है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। और मंकी बीच को मंकी बीच इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा भाई जो आइलैंड है वहाँ पे मंकीज का ग्रुप रहता है, तो दैट वाइज इसका नाम पड़ गया मंकी बीच। ये जो चेयर पड़ी है ना भाई, ये आप इसमें ऐसे ही मत बैठ जाना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये चार्जेबल है। देखो ये इसने लिया, एक्सक्यूज मी, हेलो हाउ मच फॉर दिस रोल, टेल मी द प्राइस, प्राइस ओके फुल, बट ओके लेट मी नो द प्राइस ओके। तो भाई वो समझ ही नहीं पा रहा है, मैं उससे बोल रहा हूँ प्राइस के लिए। बाकी देखो जी इस तरीके का है, और जैसे कि मैंने आपको बोला ये फ्री नहीं है, इसका आपको चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पे मैं पता कर लेता हूँ कितना यहाँ पे चार्जेस है इसका। ये जो सेटिंग है इस तरह की, इसका भाई 50 baht है, आप पूरे दिन यहाँ पे बैठ सकते हो। पता चला भाई आप ऐसे ही बैठ जाओ तो ऐसे ही नहीं है, फ्री नहीं है, यहाँ पे चार्जेबल है। बाकी आप बार्गेनिंग करोगे ना अगर 3-4 लोगों, तो आराम से भाई यही चेयर आपको 20 baht तक आराम से दे देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी बार्गेनिंग स्किल पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यह है भाई बनाना बोट राइड का, जो मैंने आपको बता ही दिया इसका रेट कितना है, बाकी आप जैसे आराम से बार्गेनिंग कर लो। और सामने पे है ये भाई जेट स्की राइड, जो कि आप अकेले कर सकते हो भाई 400 baht रुपीज़ में 10 kilometers। How much for this? 100 baht. How much? 100 baht. So 100 baht? No. Very expensive. Kitna? 50 baht. 50 baht this one? Yeah. Full free. Full day. Yeah, but I want in front. Front 100 yeah. baht. No. Very expensive. Do it for 40 baht. Huh? 40 baht. ये पीछे वाली सीट है इसका 50 baht बता रहे हैं, इसका 100 baht बता रहे हैं, बट मैंने इनसे कहा कि थोड़ा सा कम कर लो, बाकी थोड़ा और आगे चलते हैं, अभी और देखते हैं। और लो भाई डिक्लाइनर मिल गई है अपने को, और ये अपने को पड़ी है 50 baht की, थोड़ी कॉस्टली है मुझे पता है, बट भाई ये जो बीच है तवांग बीच, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, तो भाई मोस्टली कम करते नहीं, और अगर आप 3-4 लोग हो ना, मतलब 4-5 लोग हो, तो आराम से भाई ये 20 baht में आपको दे देंगे, अगर आप 5 सीट एक साथ लेते हो। अभी क्या सिंगल की वजह से भाई वो इतना ज़्यादा डिस्काउंट कर नहीं रहे, तो मुझे मिल गया भाई 50 baht का पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है फ्रंट में। और मोस्टली तो जैसे इधर साइड पे आप आगे जाओगे ना, इधर पूरे साइड पे भाई 100 baht ले रहे हैं इसी सीट का, तो देखो भाई कितना ज़्यादा कॉस्टली है। लेकिन आप थोड़ा सा, मैंने आपको बताया बार्गेनिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आपको सही रेट में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने बैग वगैरह रख दिया, आप थोड़ा सा जाते हैं आगे साइड पे, बीच को एक्सप्लोर करते हैं। मुझे स्विमिंग तो आती नहीं भाई, ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं, बस मैं थोड़ा ही सा इधर उधर मटक के आ जाता हूँ। बाकी चलो जी चलते हैं बीच साइड पर, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा अंदर जाऊँगा नहीं, मैं स्विमिंग वगैरह आती नहीं है अपने को। तो जी ये देखो भाई, बस भाई इससे ज़्यादा नहीं जा सकता मैं, इतनी काफ़ी है। बाकी यहाँ का पानी देखना भाई कितना ज़्यादा क्लीन है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। और मैंने देखो बोला था ना भाई शॉर्ट्स पहन के आओ, देखो इसीलिए बोला था, अगर भाई जींस वगैरह पहन के आओ कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। इसको भी भाई मुझे ऊपर ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं ज़्यादा ही ज़्यादा गहरे में आया गया हूँ आई थिंक। और हाँ, अगर आप बनाना बोट राइड या जेट स्की वगैरह करते हो तो भाई ये वाली जो सीट्स हैं ये आपको फ्री में दे देंगे, बेसिकली आपको ओनली से पैकेट लेना पड़ेगा जिनकी वहाँ पे सीट्स है। तो ये चीज़ मैंने कहा कि ये भी आपको बता दूँ। बाकी भाई देखना कुछ ऐसा सा सीन हो रखा है, मस्त सीन हो रखा है पूरा यहाँ का। You and I could take a drive like we used to on the city light.
missed me. We couldn't say goodbye until you kissed me. And I see it in your eyes, there's something missing. So baby, tell me why. Thinking about the days when you still miss me. And we couldn't say goodbye till you kissed me. And I see it in your eyes, there's something missing. So baby, tell me why. यहाँ पे भाई ये कुछ इस तरीके की लॉटरी सेल करते हैं, तो कुछ तो प्राइस वगैरह का सीन रहता है, मुझे नहीं पता। पहले कंट्री से देखो सेल करने की कोशिश कर रही थी, बनवाने लगी। बाकी भाई बीच से आज से मुझे रेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने की पानी की बोतल ली है, जो कि भाई काफ़ी महंगी पड़ी है, 20 बार की बढ़ता है। प्यास लग रही थी बोल रही थी। बाकी से एक एक कोल्ड ड्रिंक ली है और ये यहाँ पर मिली है 40 बार की भाई। और इस कोल्ड ड्रिंक का भाई एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 20 बार है पते हमें, बट यहाँ पे जैसे कि आपको पता है आइलैंड है, तो उस वजह से भाई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। कि भाई ये काफ़ी बड़ा बीच है, देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने की सारी शॉप्स है काफ़ी सारी। अच्छा भाई एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप कोरल आइलैंड आते हो ना, तो यहाँ पे टोटल 6 बीचेस हैं। अगर आप सारे मतलब बीचेस कवर करना चाहते हो तो बेस्ट ये है कि भाई आप मोटर बाइक राइड कर लो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। क्योंकि ऐसे आप टुक टुक लेके हर एक बीच पे जाओगे तो पर बीच का किसी का 30 बात है, किसी का 40 बात है, किसी का 70 बात है, तो ऐसे आपका बहुत ही ज़्यादा पड़ जाएगा। तो बेस्ट ये है बाइक रेंट करो। बाकी मैं आपको बीचेस के नाम भी बता देता हूँ जो कि मैंने ऑफिसली गूगल से निकाले हैं। सबसे पहला है न्यूआल बीच, जिसको मंकी बीच भी बोलते हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग में गया था। तो वहाँ पर जाना हो वहाँ पर भी जा सकते हो, बट भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत छोटा सा बीच है। अगर आपको ज़्यादा शांति वगैरह थोड़ा चाहिए तो वो बेस्ट है। दूसरा है भाई समय बीच, तीसरा है तियान बीच, फोर्थ है टोंगलोंग बीच, फिफ्थ है सैंगवांग बीच, और सिक्स और मोस्ट पॉपुलर बीच है भाई तवांग बीच, जिसमें अभी मैं आया हूँ। यहाँ पे आपको मोस्टली भाई टूरिस्ट मिलेंगे, स्पेशली आप अगर सुबह के टाइम पे आते हो, मतलब अगर 12 बजे या 11 बजे वाली आप फेरी से आते हो, तो भाई पूरा बीच जो है ना आपको टूरिस्ट से भरा हुआ मिलेगा। और मोस्टली वाटर स्पोर्ट्स वाली जितनी भी राइड्स है वो सारी आपको यहीं पे ही मिलेंगी। और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जितने भी सारे बीचेस मैंने बताया, सबसे ज़्यादा पॉपुलर उनमें से यही है तवांग बीच। जब मैं आया था तो कितने ज़्यादा टूरिस्ट थे, और अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया है। तो बेस्ट यही है कि भाई 12 बजे के बाद वाली फेरी से आओ, और उस टाइम पे उसका आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भाई बीच में क्राउड कम हो जाता है। तो मोस्टली आपको जैसे कि मेरे को ये रिक्लाइनर पड़ी है 50 बात की, वैसे तो 100 बात बोल रहे थे, बट अकेले था मैं इसलिए मुझे 50 बात देना पड़ा। अगर 4-5 लोग होते तो 20 बात में आराम से मिल जाती। बट अगर आप इस टाइम पे आते हो जो कि अभी 4 बज रहा होगा आसपास, तो यहाँ पे भाई यही आपको रिक्लाइनर सिंगल में भी भाई 30 बात तक आराम से दे देंगे, क्योंकि मोस्टली जो है वो टूरिस्ट जा चुके होते हैं। अभी खुद ही देख लो यार कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, और देखो अब कितने कम लोग हैं। तो भाई इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप थोड़ा लेट आते हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह चाहिए, भीड़ भाड़ चाहिए, तो भाई 12 के पहले आ जाओ भाई मॉर्निंग के टाइम पे। और अगर आपको थोड़ी कम भीड़ भाड़ चाहिए तो 1 बजे के बाद वाली फेरी जो आप चलती है वहाँ से 2 बजे, उससे आप यहाँ पे आ सकते हो। और लास्ट फेरी यहाँ से जाने की है 6:30 की, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊँगा। और हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कुछ एक अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है। अब उसको स्कैम बोल सकते हैं या फिर आप स्कैम नहीं भी बोलोगे, लेकिन मेरे केस में तो भाई मैं स्कैम ही बोलूँगा। तो बेसिकली क्या है, जब आप यहाँ पे आओगे आइलैंड पे, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 6 बीचेस है। तो यहाँ पे ना मोस्टली लोगों को नॉलेज नहीं होती भाई कौन सा बीच पे जाए जहाँ पे सारी उनको वाटर एक्टिविटीज़ मिल जाए, और जो बीच अच्छा हो बीच हो, है ना। जैसे मेरे केस में मैं स्टार्टिंग में चला गया था मंकी बीच। तो भाई यहाँ पे ऐसा सीन है कि जब आप आओगे ना, तो जो वहाँ पे टुक-टुक वाले रहते हैं उनसे आप कहोगे कि जैसे मेरे केस में मैंने पूछा कि कौन सा बेस्ट बीच है, तो वो सीधे आपको बोलेंगे कि आप वो मैप वहाँ पे लगा रहता है, मैप देखो खुद डिसाइड करो। अब आप भाई फर्स्ट टाइम आए हो, आपको तो पता ही नहीं है कि भाई वहाँ पे 6 बीचेस हैं तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। तो मेरे केस में भी जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैं चला गया था मंकी बीच, जहाँ पे भाई लिटरली ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने दोबारा से भाई गूगल पे पूरी रिसर्च की है, उसके बाद फिर मुझे पता चला कि भाई वन ऑफ द बेस्ट बीच जो है यहाँ का वो है तवांग बीच। और मोस्टली जो टूरिस्ट है ना वो यहाँ पे ही आते हैं, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भाई शॉप्स वगैरह सारी चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच भी है कोरल आइलैंड का। तो देख लो ये सारी चीज़ें भाई रिसर्च से ही पता चलती है। मेरे केस में तो भाई मैं कहूँगा मेरे साथ एक तरीके से स्कैम कह सकते हो, स्कैम हो गया या फिर नहीं भी कह सकते हो गया, जो हुआ उसको समझना हो समझ लो। लेकिन आपके लिए मैंने एक डिटेल भाई बता दी कि आते हो तो भाई तवांग बीच ही आओ, एक ही बीच काफ़ी है। बाकी अगर आपको पूरा आइलैंड का टूर करना है तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट है 200 बात की आप बाइक रेंट कर लो, और उससे आप पूरा आइलैंड घूम सकते हो। लाइनर से ना देखो कितने सारे खुले हुए थे भाई, और देखो अब सिर्फ एक ये मेरा बचा है, क्योंकि अभी मेरा यहाँ बैग रखा है। तो ये ना बेसिकली लास्ट तक 6 बजे तक रहते हैं, तो इसका कोई टाइम नहीं रहता है। आप यहाँ पे जैसे मेरे केस मैंने 50 बात दिया, तब से मैं यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था,
तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी भाई अगर थाईलैंड का मैं रिव्यू की बात करूँ तो भाई ओवरऑल भाई वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा, और बिल्कुल पैसा वर्थ रहा मेरा यहाँ तक आने का, जो कि मेरा फेरी से आया था। मैं कैसे आया था बजट में ये आपको पता चल ही गया होगा थर्टी बात पर, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आया भाई इस आईलैंड में। बाकी जी देखो ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल भाई पूरा सीन हो रखा है यहाँ का। चलो जी निकल गए यहाँ से, 5:30 हो रहा है और 6 बजे वाली फेरी अपने को मिल जाएगी। अभी अपने को लेना है यहाँ से टुक टुक, जो कि अपने को पहुँचाएगा वो पोर्ट पे जहाँ से फेरी मिलती है। एंड बात करें ओवरऑल एक्सपीरियंस की तो भाई काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा कोरल आइलैंड का। अगर आप पत्ते आए हो तो भाई कोरल आइलैंड का टूर ज़रूर आना यहाँ पे, मतलब आप बुक करके भी आ सकते हो, बाई फेरी भी आ सकते हो, मैंने आपको सारे प्रोसेस बता ही दिए। बट अगर चीपेस्ट वे है तो भाई फेरी है। जी देखो कुछ इस तरीके का टुक टुक होता है, यही अपने को लेके जाएगा। थैंक यू जी। टुक टुक ने यहाँ पे उतार दिया है, ये कोई तो टेम्पल है यहाँ पे, और इस साइड पे जाना है अपने को, यहीं से अपने को मिलेगी आगे फेरी। अच्छा भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे जाते टाइम मैंने मंकी बीच से लिया था, यहाँ से मंकी बीच लिया था 30 बात से, मंकी बीच से तवांग बीच 40 बात, और तवांग बीच से यहाँ पे जो कि जहाँ फेरी मिलती है यहाँ तक का भाई लिया है मेरे से 20 बात, क्योंकि भाई बहुत सही रेट है। तो मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा अगर आप लेट आते हो तो आपको प्राइजेस बहुत रीजनेबल मिलेंगे, या आप अगर थोड़ा सा जल्दी आए होते तो भाई यहाँ का भी 40 भाग था। और वहाँ पे जब मैं जाने लगा तो जहाँ जिनसे मैंने चेयर ली थी रिक्लाइनर वाली, वो भाई बोलने लगे कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा चलो 50 बात बाइक से, और डायरेक्ट वहीं पर ड्रॉप करेंगे जहाँ फेरी मिलती है। मैंने कहा मैं भाई पूरा एक तो देख के आया हूँ, मेरे को बना रहा है भाई वहाँ पे इस तरीके से आपसे लोग बोलेंगे तो चक्कर उधर पड़ना। वहाँ से बीच से थोड़ा ही था बिल्कुल बगल में ही आप आओगे, वहाँ से आपको टुक टुक मिल जाता है ये, जो कि आपको मैंने बताया दिया 20 बात में यहाँ पे पहुँचा देगा। बात कर रहे हैं आइलैंड की तो भाई काफ़ी बड़ा आइलैंड है, आपको मैंने बताया स्कूटी रेंट कर सकते हो और इवन आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, तो भाई अगर आपको स्टे करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ है। अच्छा बाइक रेंट का क्या है आपसे ज़्यादा रेट बता सकते हैं, तो बेस्ट ये है कि एक दो जगह आप पता करो, और जो भाई मुझे मिले थे ना स्टार्टिंग में उनने बता दे 200 बात तक भाई दे देते हैं, तो 300-400 बात मांगे तो भाई सीधे आप बार्गनिंग कर लेना। तो मैं इसी मैप की बात कर रहा था, इसी तरीके से भाई मैप लगा रहता है और अब वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि आप इसी में से चूज़ कर लो, और आप फर्स्ट टाइम आए हो और आपको यहाँ पर नॉलेज होगी नहीं, तो बेस्ट जो है वो है तवांग बीच। और लिटरली भाई आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया रखा है, और लिटरली भाई आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, बस भाई एक कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल ली थी, तो भाई जाते ही सबसे पहले कुछ खाऊंगा, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं आपको दिखाता हूँ एक डिश कल मैंने ट्राई की थी यहाँ पे, वो भी 60 बात की, जो कि यहाँ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, जिसमें चिकन फ्राइड राइस और वो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, तो वो मैं आपको पता पहुँच कर बताता हूँ। भाई इस टाइम तक भी लोग आ रहे हैं और देखो बैग वगैरह लेके आ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे रुकने की भी फैसिलिटीज़ है, तो देखो आप यहाँ पे भी आके रुक सकते हो। We couldn't say goodbye until you kissed me, and to see it in your eyes, there's something missing. So baby, tell me why? 'Cause I'm thinking about the days when you still miss me, and we couldn't say goodbye till you kissed me, and I see it in your eyes, there's something missing. So baby, tell me why? Baby, tell me why? When did the love और लो जी फाइनली पहुंच गए फतेह, और फेरी ने बिल्कुल राइट टाइम पहुंचाया, 6:45 बजे चली थी, 6:15 बजे यहाँ पे आ चुके हैं। अब भाई फटाफट मैं जाता हूँ कुछ खाने, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया, और वो डिश जो मैंने आपको बताई थी भाई उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो कि सिर्फ 60 भात में है और भाई बहुत बढ़िया डिश है, कल मैंने यहाँ पे ट्राई की थी, कल मैंने ब्लॉग नहीं किया। बाकी भाई एक ये जो चीज़ है ये ना सोलो ट्रैवलर्स के लिए आप वरदान बोल सकते हो,
भाई जितनी भी मैंने फोटोज़ क्लिक की है ना वो सारी इसी से की है बेसिकली। इसमें iOS एंड्रॉयड दोनों का आपको दिख रहा होगा, ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से और इजीली भाई आप फ़ोन रख के क्लिक कर सकते हो। अब हर फोटो तो अच्छी नहीं आएगी क्योंकि आप एक तरीके से अंदाजे से खींचते हो, बट भाई 10 में से एक फ़ोटो तो अच्छी आई जाएगी। तो अगर चाहिए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, बाय कर लेना, मतलब बेस्ट है। और हैवी वाटर था 202 आए थे, बाकी थोड़ा बहुत रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। ये अगर किसी को पता हो तो बताना ये क्या है। कल से ऐसे काफ़ी सारे लोग मुझे दिख चुके हैं जो कि ऐसे झंडा लेके चल रहे हैं। और ऐसा देखो भाई मोस्टली जगह पे ये देख रहे हो अलग अलग कलर के झंडे। और पता नहीं भाई क्या है फेस्टिवल है कि क्या है, मुझे तो पता नहीं, किसी को पता हो प्लीज़ बताना। और लो जी भाई फाइनली पहुंच गए और इसी डिश की मैं बात कर रहा था, देखो 60 बात में। तो फटाफट मैं पहले बनवा लेता हूँ, देखो भाई कुछ इस तरीके की रेडी होती है और इस तरीके से पैक करके दे देते हैं। और ये भाई थोड़ा आगे चल के नॉनवेज हॉस्टल, नॉनवेज हॉस्टल के आप थोड़ा सा आगे आओगे ये वे 7-Eleven के जस्ट ये बाहर साइड पे ये भाई लगाते हैं। और ये है इनका शॉप, आई लाइक फ्राइड चिकन। और यहाँ पे आप दैट वन ओके या। और यहाँ पे देखो तीन वैरायटीज हैं, आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो। तो भाई बहुत ही सही रेट में मिल जाता है यहाँ के हिसाब से। बाकी तो यहाँ भाई कुछ भी खा लेते हैं तो पता ही है आपको, तो बेस्ट ये है कि भाई चिकन तो मैं खा लेता हूँ, चिकन और राइस मिला के। नेम ऑफ द डिश रेमन, नो आई वॉन्ट टू आस्क वॉट इज द नेम ऑफ दिस डिश, राइस एंड चिकन, वी कॉल इट चिकन राइस। ओके स्पाइसी चिकन राइस, तो इसका नाम भाई यही है स्पाइसी चिकन राइस। तो देख लो भाई कुछ ऐसी सी डिश है, और जो लोग चिकन नहीं खाते उनके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाई, चिकन दिखा रहा हूँ। बट एज अ सोलो ट्रैवलर भाई अपना तो काम ही है कि चीज़ें दिखाना कि आप बजट में कैसे खा सकते हो। तो जो चिकन खाता है उसके लिए बेस्ट है, जो चिकन नहीं खाता है उसके लिए भाई मैंने आपको दिखाया था अपने लास्ट वाले ब्लॉग में, आपने देखा होगा पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, वो भाई वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है और बिल्कुल इंडिया जैसा टेस्ट है और मज़ेदार रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट पंजाबी तड़का, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। बाकी भाई बात कर रहे हैं अगर ओवरऑल आज के एक्सपीरियंस की, तो भाई एक्सपीरियंस मेरा आज का काफ़ी अच्छा रहा और मैंने आपको बाकी डिटेल्स दे दी किस तरीके से आप उस डिटेल्स ले में जा सकते हो। बाकी आज मेरा पत्या में लास्ट दिन है, कल मैं यहाँ से निकलूँगा बैंकॉक और वहाँ का मैं पूरा बजट में बताऊँगा भाई किस तरीके से क्या क्या चीज़ें घूमनी है, कहाँ रह सकते हो। एंड ऑल्सो कल उसके साथ ही मैं यहाँ का एक ब्लॉग बनाऊँगा, मतलब उसी में मर्ज होगा कि हाउ एक्सपेंसिव इज थाईलैंड फॉर इंडिया, उसमें बेसिकली यहाँ का ट्रांसपोर्ट क्या, घूम कैसे सकते हो, शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊंगा। प्लस यहाँ पे कोई स्टोर विजिट करेंगे वहाँ पे भी आपको इंडिया से कंपेयर करके रेट बता दूंगा, तो वो ब्लॉग भाई कल आएगा। और ये तो आप मेरे ख्याल से मार्च वगैरह में देख रहे होंगे, अभी मैं आया हूँ जनवरी में, आज है बाय द वे 28 जनवरी और कल है 29, कल यहाँ से निकल जाऊँगा मैं बैंकॉक के लिए। तो बस भाई उस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मैं फटाफट खा लेता हूँ, भूख बहुत लग रही है और इसलिए मैंने अभी यहाँ पे एंड करना ठीक समझा। और अगर आपकी कोई भी क्वारीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कुछ भी आपको पूछना वगैरह है। और यहाँ तक अगर देख ही रहे हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आया ब्लॉग। मिलता होगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, यू टाटा मोबाइल टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी गुड बाय।